प्रेस के कैमरे है इन्हों के जरिए कहना चाहवागा कि मैं जेडे साडे शहीदां ने वतन है जिन्हां दी वजह नाल सानू ये वोट पाउण दा अधिकार मिलिया उन्हां नू करोड़ करोड़ वारी नमन है और जेडे जेडे कालियां रातां नू सानू ये जमहूरीयत दा सूरज दे गए उन्हां दे सामने मैं सिर झुकाउणा है। दूसरा मैं लोग 10 लाख और आपकी उम्र है नहीं और जो पंजाब से बाहर देख रहे हैं शायद उनको ये पता नहीं कि 1947 में 10 लाख पंजाबी जो है उसका कत्लेआम हुआ, चाहे वो कहीं किसी भी फिरके से था। तो उनको भी आज हम याद करते हैं, अपने बुजुर्गों को जिन्होंने एक आज़ाद हिंदुस्तान या आज़ाद पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। तो ये मैं अपने आपके कैमरे के आंखों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये खैर में नहीं किसी ने डाल के दिया। सो जो भी पंजाब के शहरी हैं, सबसे पहले तो वो ज़रूर वोट ज़रूर करें और सोच समझ के करें। शराब और शरबत का फ़र्क जो है, या चोर या चौकीदार का, ये फ़र्क ये पंजाब के लोगों ने तय करना है। और मुझे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो पिछले 5 साल में पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने भरोसा जो दिया था, लोगों का भरोसा हमारे लिए एक अजीम जिम्मेवारी थी, एक मुकद्दस इमानत थी जो 5 साल कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। और आज कांग्रेस पार्टी फिर ये वादा करती है कि अगर सरकार वाली पगड़ी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सर पे पंजाब के लोगों ने रख दी तो सुनने वालों की मेहरबानी करके वोट जरूर पाया जे। और ये वोट का अधिकार बड़े औखे होके मिले और इनू जाया ना कर दिया जे, सोच समझ के वोट पाया जे। और जड़ा चोर ते चौकीदार और शराब ते शरबत का फर्क जरूर कर दिया जे। एक भरा भरा वर्सस वोट कर रहे हैं, इसमें किवें देखदे? एक भरा भरा दे खिलाफ वोट कर रहे हैं। हाँ, पर ये तो जमहूरियत का हुसन है यार, इन्होंने तो अधिकार है। सर आज वोट डाल सर, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मैं आज अपना जो मेरा जमहूरी अधिकार है मैं उसका इस्तेमाल किया है। हेलो, और मैं सारे जेडे काले प्रेस के कैमरे है इन्हों के जरिए कहना चाहवागा कि मैं जेडे साडे शहीदां ने वतन है जिन्हां दी वजह नाल सानू ये वोट पाउण दा अधिकार मिलिया उन्हां नू करोड़ करोड़ वारी नमन है। और जेडे जेडे कालियां रातां नू सानू ये जमहूरीयत दा सूरज दे गए उन्हां दे सामने मैं सिर झुकाउणा है। दूसरा मैं लोग 10 लाख और आपकी उम्र है नहीं और जो पंजाब से बाहर देख रहे हैं शायद उनको ये पता नहीं कि 1947 में 10 लाख पंजाबी जो है उसका कत्लेआम हुआ, चाहे वो कहीं किसी भी फिरके से था। तो उनको भी आज हम याद करते हैं, अपने बुजुर्गों को जिन्होंने एक आज़ाद हिंदुस्तान या आज़ाद पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। तो ये मैं अपने आपके कैमरे के आंखों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये खैर में नहीं किसी ने डाल के दिया। सो जो भी पंजाब के शहरी हैं, सबसे पहले तो वो ज़रूर वोट ज़रूर करें और सोच समझ के करें। शराब और शरबत का फ़र्क जो है, या चोर या चौकीदार का, ये फ़र्क ये पंजाब के लोगों ने तय करना है। और मुझे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो पिछले 5 साल में पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने भरोसा जो दिया था, लोगों का भरोसा हमारे लिए एक अजीम जिम्मेवारी थी, एक मुकद्दस इमानत थी जो 5 साल कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। और आज कांग्रेस पार्टी फिर ये वादा करती है कि अगर सरकार वाली पगड़ी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सर पे पंजाब के लोगों ने रख दी तो सुनने वालों की मेहरबानी करके वोट जरूर पाया जे। और ये वोट का अधिकार बड़े औखे होके मिले और इनू जाया ना कर दिया जे, सोच समझ के वोट पाया जे। और जड़ा चोर ते चौकीदार और शराब ते शरबत का फर्क जरूर कर दिया जे। एक भरा भरा वर्सस वोट कर रहे हैं, इसमें किवें देखदे? एक भरा भरा दे खिलाफ वोट कर रहे हैं। हाँ, पर ये तो जमहूरियत का हुसन है यार, इन्होंने तो अधिकार है।